21 क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे विषय 505 पर्यावरण इकाई 6 के बहुविकल्पी सवालों पर। जी हाँ, अब वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखें। तो देखिए, आपका पहला सवाल आता है, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा है वुडवर्थ की, या डगलस की, या रेमर्स की, या राजकुमारी शर्मा की। तो उत्तर है ये वुडवर्थ की। फिर आपका दूसरा सवाल देखिए, पर्यावरण खालिस्थान प्रकार होता है, 2, 3, 4 या 5। तो उत्तर है 2 प्रकार के होते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट सवाल, भौतिक पर्यावरण को खालिस्थान पर्यावरण भी कहते हैं, सामाजिक या अभौतिक या प्राकृतिक या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है भौतिक पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था निम्न में से कौन सी है, पर्यावरण के लिए कौन सी है। यहाँ पर देखिए, UNEP, या फिर UNDP, या फिर IEEP, या फिर यूनेस्को। तो उत्तर है सी, IEEP। फिर आपका आता है, विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा पर विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह देखिए, उत्तर आपका नई दिल्ली है, काहिरा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, स्टॉकहोम, या फिर रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, स्वीडन, मिस्र। तो उत्तर है आपका नई दिल्ली, भारत में। फिर आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, पर्यावरण के खालिस्थान घटक परस्पर क्रिया द्वारा जैवमंडल की रचना करते हैं, जैव, अजैव, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है जैव और अजैव दोनों। फिर आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक हैं पानी, हवा, भूमि, उपरोक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण में सामुदायिक स्रोतों में से एक है, शिक्षक संघ, मजदूर संघ, छात्र संघ, या शिक्षक अभिभावक संघ। तो उत्तर है शिक्षक अभिभावक संघ। फिर आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है क्रियात्मक पक्ष का विकास करना, या भावात्मक पक्ष का विकास करना, या ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। फिर उत्तर आपका देखिए उपरोक्त सभी, डी। फिर आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, वह क्रियाकलाप बताइए जिनमें चिड़ियाघर का उपयोग किया जाता है, प्रयोग दर्शन, अन्वेषण, शैक्षिक भ्रमण, या परियोजना। तो उत्तर आपका आता है शैक्षिक भ्रमण। अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्रिया आधारित होना, या प्रेरणादायक होना, या प्रगति आधारित होना, या उपयुक्त सभी। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, पर्यावरण को प्रभावित करने वाली बाह्य शक्ति किसने माना है, तो रास ने, या राधा कृष्णा ने, या फिंडिंग ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है रास ने। फिर आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, बालकों में मुख्य पर्यावरण अधिगम विधियां कौन सी होती है, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, या उपयुक्त सभी, या अभ्यास करना व सीखना। तो उत्तर है आपका उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, पर्यावरण अध्ययन की मुख्य उपलब्ध सामग्री कौन कौन सी है। तो उत्तर है चित्र, कविता, उपयुक्त सभी, पहली। तो उत्तर है आपका उपयुक्त सभी। फिर आपका देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, कुशल शिक्षक शिक्षण हेतु किन किन विधियों को अपनाते हैं, कहानी कथन विधि, खेल विधि, पात्र अभिनय विधि, उपयुक्त सभी। तो उत्तर है आपका उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, बालकों द्वारा पर्यावरण के अवलोकन एवं विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चों का मनोरंजन कराना, बच्चों को सैर कराना, समय पर सदुपयोग करना, या पर्यावरण के प्रति बच्चों की समझ विकसित करना। तो उत्तर है आपका पर्यावरण के प्रति बच्चों की समझ विकसित करना। फिर आज का आपका अंतिम सवाल देखिए, प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम का घटक है आदत, कौशल, अवधारणा, उपयुक्त सभी। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से इकाई 6 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी सवाल हल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है दीर्घोत्तरी प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे, आप इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।